फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज 28 तारीख हो गई है। दिन कौन सा है? और आज तुम आई है। मैं तो रोज ना हूँ, मजाक करने। अभी हम बाहर आए हुए हैं, मैं और सुमित दोनों। मम्मी भी आ गई और मम्मी दोपहर में आई है। सुबह आने की कह रही थी, सुबह आ जाऊंगी, इतना था उठोगे। और अभी दोपहर में 1:15 बजे आई है, तो इतनी लेट आई मम्मी। ओला की जाता आने जाने में ही गुड़गांव से हरिद्वार के क्या घंटे, 5-6 घंटे लगते होंगे ना सुमित? 5-6 घंटे लग जाते, 5 आने के 5 जाने के। तो वहां रुकने का तो टाइम ही कहाँ लगा होगा, थोड़ा सा ही लगा होगा। 12 घंटे तो यही हो गए सीधे सीधे। और जाम लग जाए फिर और ज्यादा टाइम लग जाता है। क्या उतारने के लिए कह रहे थे, क्या ढूंढ रहे हो? फ्लैक्स सीड। दोनों एक साथ भिगोगे, चिया सीड और फ्लैक्स सीड? Yes. फिर खाओगे कब इनको? शाम ना भिगो। कल 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 की भिगो रहे हो? मेरी भी और सुमित की भी, चिया सीड और फ्लैक्स सीड दोनों। फ्लैक्स सीड को तो पीस रखा है मैंने, पीसा था डिब्बा भर रखा पीस के। ठंडी होती है ये, सही है गर्मी गर्मी में, है ना? सर्दियों में खानी चाहिए। वैसे और भी बहुत सारे फायदे होते हैं चिया सीड्स के। मुरमुरे से नमकीन बना रही हूँ, खाओगे? नहीं, मैं तो बनाऊ, मेरा भी कर रहा है खाने का। वैसे गैस बनी हुई है, पराठे खाए थे सुबह, लेकिन फिर भी मन कर रहा है अभी मुरमुरे की नमकीन खाने का। और जूस भी पी लिया पपीते का, इतना टेस्टी बना पपीते का जूस तो, है ना सुमित? सही लगा, अभी पिलाया मैंने तीनों को। अभी मैं नमकीन बना लेती हूँ अपनी, और मेरी मुरमुरे वाली नमकीन बन के रेडी हो गई है। और साथ में है ना, मैंने चाय भी चढ़ा दी थी। संतोष आंटी को बुला लिया था, संतोष आंटी भी आ रही है, तो मम्मी और संतोष आंटी दोनों के लिए चाय बन के तैयार हो गई। वही तक मिला है जाम, तो पूरी दिल्ली में रेड लाइट अब इतनी इतनी देर तक खड़ा रहना पड़ा। वो तो फिर जोरदार रोड पर तो फिर सही सब, ये तो वो सही बना रखा है हाईवे। खाना खुना खाया, सब बातें उते करी, बैठी चाय चुए पिए, कई देर लगी, मतलब घंटा सारा। एक मैं जाऊँ सब्जी भी ले आऊंगी टेलर के यहाँ, अभी आई 5-10 मिनट में। 10 मिनट बताया नहीं, आधा घंटा लगा, आधा घंटा लगेगा। सूट बिठा लाऊंगी, सब्जी भी ले आऊंगी। फिर यहाँ से बढ़िया नहीं मिलती, उधर से देख के ले आऊं। पपीता भी कच्चा मिला है, ये भाई इतना आंटी ही रही हो। पारक पारक ना करें, मैं चालू तो मेरे पास तेल जैसे चालू कौन जाऊंगा, लेट हो जाओगे। मैं तो बस सूट ठाक लाऊंगी और कुछ नहीं करना, मैंने पैर के देख लूंगी अपना। कर लिया उसको, कल तो सिल रहे थे, क्या था सिल दूंगा, कर लूंगी चलते चलते ठीक। और अभी मैं टेलर के यहाँ जा रही हूँ, मतलब मंडी लगी हुई है तो सब्जी लेने जा रही थी, तुम्हारे सूट भी सिल गए, मैंने फोन कर लिया टेलर को, तो सूट भी ले आऊंगी और सब्जी भी ले आऊंगी। चलो चलते हैं पार्क रास्ते। और ये देखो, अभी बच्चों की स्कूल से छुट्टी हुई, अभी शाम का टाइम हो गया था, 6:30-6:30 बजे के आसपास का टाइम था, तो इस टाइम छुट्टी हुई है। सरकारी स्कूल के बच्चे लग रहे हैं, मेरे को लग रहा है ना इनकी दो शिफ्ट होती होंगी स्कूल में, एक तो 12 बजे तक होता है और एक 12 बजे के बाद, तो ऐसे होता होगा इसलिए अभी छुट्टी हुई है। और अभी मौसम चेंज हो रहा है ना, तो दिन में तो गर्मी रहती है लेकिन शाम के टाइम तो सही मौसम हो जाता है, तो अच्छा लग रहा था पार्क आके। भैया तो ये कह रहे थे हो गया तैयार, ले आ। बोले अभी फोन किया था मैंने, तिरपाई नहीं हुआ, हो गया भैया काले वाले तिरपाई, इसमें नहीं हुआ ना? नहीं हुआ, मम्मी का हो गया आपके? लाओ मम्मी का ही दे दो फिर, ये पहन के देखो ना फिर, काला वाला लाओ तो पहन के।
और है ना, पहले मैं टेलर के यहाँ गई थी तो मैंने सोचा पहले अपने सूट उठा लाऊं, फिर कहाँ सब्जी लेके फिर टेलर के यहाँ जाऊंगी। तो मेरा तो सूट अभी तैयार नहीं हुआ है, मतलब तुरपाई बची है, वैसे तो तैयार हो गया, तो मैं पहन के तो देख लिया, मैंने अपना सूट सही आ रहा था, बस तुरपाई बाकी है। तो देखते हैं अगर कल इस साइड आए तो कल ले जाएंगे, पर मम्मी का मैं ले आई हूँ सूट। प्याज कैसे दिए भैया? 1.5 किलो प्याज, 1 किलो चालीस वाले को, 2.5 किलो पहाड़ी वाले को, 2.5 किलो प्याज, 1.5 किलो देना, ये लो दो वाले, 2.5 लगा दिया, आलू ले जाओ 2.5 किलो भैया, 1.5 किलो दे दो प्याज। और अभी मैं पहुंच गई हूँ सब्जी मंडी। तो मंडी में आने से पहले मैं दुकान पे चली गई थी, मैंने वहाँ से मटर और पनीर खरीदा था। और ये देखो मंडी में ना कितनी भीड़ हो रखी है, धूल उड़ रही है पूरी। मैं तो बहुत दिनों बाद सब्जी मंडी आई हूँ। सोट मम्मी का ले आई, मेरे की तुरपाई रह रही थी। अच्छा, उठे के रेट दिया 70 ही। और ये एप्पल, एप्पल 100 की 150 की, 100 की 150 की, 80 रुपये किलो, ये 120 रुपए किलो, फर्क है ना एप्पल में। मिठाई मखाने तो खाए जाएंगे, वो खील सी ना खाई जाती, देखो मेरा तो सिला नहीं पहन के देखा है, पर मेरा सही है। ये सब्जियों के जोड़े में ही था ना ये थैला, प्लाजो वाला काला सूट चले, ये गुलाबी रंग की मंगाओगी चुन्नी, पूरा सूट पहली बार काला पहनूंगी, पूरा पूरा तो बिना हुआ है, चुन्नी अलग रहो, चुन्नी अलग रहेगी, चुन्नी थी इसकी काली, इसका मैंने कमीज सिलवा लिया आंटी, मम्मी बोली मेरे से ना उठी जा, वो है तो मेरा सिला दे रहा था, चुन्नी थी यही वर्क था, सही सिल रहा मेरा भी, पर नीचे थोड़ा जोड़ पड़ा है, तो उसमें नीचे वो कपड़ा ला है ना वो लगा रखी लैस, उसमें जोड़ सा पड़ रहा है, माँ इसने ठीक कर दो, बोला उतारेंगे इसने उतार कर, सही उतार के तो बड़ा लगा हो देगा ना, और ये भी होगी का तो पहन का दिखा दो, सही सिल रहा है, आज नहीं दिखाऊंगी, आज नहीं है, कल दिखाऊंगी, कल दिखाऊंगी, ले भाई सुंदर, आज पूरा रेस्ट करूंगी, पहन के ही दिखाऊंगी। नीचे यो है बाजू पे है इसका, बाजू पे पाइपिंग निकाल दे, और तो प्लेन है बीच में, तो नीचे ये है और ऊपर वो ये गोटा पट्टी का है, गोटा पट्टी का काम है सारा, सुंदर सूट है। मेरा तो कमीज कमीज बनेगा, मैं पहन के चुड़ियां चल जाए मेरी, तेरी पजल्लो शोभा वो दे रो, हां कविता का हां ऐसा ऐसा प्लाजो चुन्नी वो घर पे ही थे, वो वही बना लिए और घर पे सिल लिया, ना ना सिलना तो टेलर को दे रखा है ना, प्लाजो घर पे था तो उससे मैच हो जाएगा। हां प्रसाद ले जाओ आंटी, रुक जाओ, मखाना का गंगा मैया का प्रसाद आप सब भी खा लो, प्रसाद माता का हरिद्वार का। और अभी आंटी चल पड़ी है घर, तो बोल रही थी कि मैं संध्या पूजा नहीं करके आई हूँ, तो जाके अपने दिया बत्ती कर लूँगी, मैंने भी नहीं किया संध्या पूजा, बस अभी करूँगी। और प्रसाद दे दिया मैंने आंटी को, और मम्मी है ना ये मखाने वाला ही प्रसाद लेके आई, वैसे तो खील वाला और मखाने वाला होता है ना हरिद्वार का प्रसाद, लेकिन मम्मी मखाने वाला ही लेके आई है, क्योंकि यही खाया जाता है, खील वाला खाया नहीं जाता, तो इसलिए मखाने वाला ही ले आई। और पूजा मैंने कर ली है, और पूजा करने के बाद अभी मैं थैले में से सब्जियां निकाल रही हूँ, तो देखो क्या क्या लेके आई हूँ, कॉर्नफ्लेक्स लेके आई हूँ, मशरूम है, प्याज है, मटर पनीर है, सेब है, और पपीता लेके आई हूँ ना, पपीता मैंने न्यूज़पेपर में लपेट के रख दिया, थोड़ा बहुत कच्चा होगा तो वो पक जाएगा कल तक, और गाजर लेके आई हूँ, बीन्स हैं, धनिया है, हरी मिर्ची है, और पालक है, पालक की सब्जी तो मैं अभी बनाऊँगी, तो आज आलू पालक की सब्जी बना रही हूँ, तो पालक को मैं छाटने लगी, और ये टब मैंने ऊपर से उतार लिया है मेरा, तो इसी में सारी सब्जियां धोती हूँ, तो आराम से धुल जाती हैं सब्जियां, मतलब दो बार भर के टब में धोती हूँ ना तो सही साफ हो जाती है, नहीं तो वो पतीलों में डाल डाल के धोती थी ना, उसमें इतना टाइम लगता था, कई बार पानी बदलना पड़ता था, पर ये टब सही है, तो पालक छांट के मैं इसी में डालने लगी, क्योंकि मैं पहले पालक ही धोऊंगी।
और सारी सब्जियों को है ना मैंने धो के रख दिया है। जब तक मेरे किचन के काम ख़त्म होएंगे, मतलब सोने का टाइम होएगा, तब तक सारी सब्जियां सूख जाएंगी और उसके बाद फिर फ्रिज में रख दूंगी सारी सब्जियों को। और उसके बाद फिर मैंने सब्जी भी बनाने की तैयारी कर दी है, मतलब आलू पालक की सब्जी बना रही हूँ ना, तो छोंक के रख दिया, अभी बनी नहीं है सब्जी, सब्जी बन रही है। और मैंने तब तक अपने बर्तन भी साफ़ कर लिए हैं, तो बर्तन भी सारे साफ़ हो गए हैं। और जब सब्जी बनाते हैं ना, थोड़ा थोड़ा कूड़ा तो गिर ही जाता है, मतलब किचन में काम करते हैं ना, थोड़ा मोड़ा कूड़ा तो गिर ही जाता है, तो मैं साथ साथ में ही सारी किचन को साफ़ करती रहती हूँ, तो साफ़ साफ़ दिखती है ना, तो मेरे को भी अच्छा लगता है और खाना बनाने में भी फिर मज़ा आता है साफ़ साफ़ किचन में। तो किचन में कपड़ा मार दिया मैंने और बस अभी आटा गूंद लेती हूँ, सब्जी भी पकी रही है। चलो तो अब इस व्लॉग का यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नई व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना।